5 यमुना विहार की मार्केट में पूरी गोंडा विधानसभा का एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो कि 70 विधानसभाओं में 7 के 7 हुआ। इसमें जनता का आरोप पत्र, ये जो घटिया केजरीवाल सरकार है, झूठी केजरीवाल सरकार है, उस सरकार के प्रति हमने एक घोषणा पत्र जो है आरोप पत्र के रूप में बनाया कि वो 70 पॉइंट जिन पे इसने पिछली बार भारी जीत हासिल की थी, आज वो 5 साल बाद जो वायदे किए थे, उस वक्त तो जनता को जो बेवकूफ़ बनाया था, उस वक्त तो बनाया ही था, अपने गुरु तक को, अन्ना तक को बेवकूफ़ बनाया था, लोगों को बेवकूफ़ बनाया था, अपने साथ के लोगों को छोड़ दिया, वो बात तो अलग, लेकिन जो 70 वायदे किए, उन 70 वायदों में से एक भी कम्प्लीटली पूरा ना करने वाली ये पहली सरकार है। पानी की बात करें, बिजली की बात करें, फ्री शिप की बात करें, पानी के बारे में अगर बात करें तो पानी का जो स्वच्छ पानी देने की बात थी वो 1% भी ये ठीक नहीं कर पाई। आज भी काला, दूषित और बदबूदार पानी पीने को जनता भारत की मजबूर है, दिल्ली की। उसके बाद बिजली की बात करें, बिजली का जो फिक्स चार्ज था और उससे पहले के जो चार्जेस थे वो इसने पहले ही इतने गुने लगा के 52,000 करोड़ रुपया इसने निकाल के जो है वो जनता को फिर ये कह रहा है कि मैं तुम्हें फ्री बांट रहा हूँ। उसके अलावा बिजली पानी के अलावा अगर आप देखें पॉल्यूशन, कितना रुपया पॉल्यूशन के नाम पे जो कर था वो दिल्ली सरकार को मिला और उसका 1% भी इन्होंने इस पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक को संज्ञान लेना पड़ा कि आपने इस दिल्ली को गैस का चैम्बर बना के रख दिया है, आज से बेहतर है कि हमें आप फांसी की सजा दे दो। इतनी बुरी दुर्गति इसकी, CCTV कैमरा हो या फिर वाईफाई हो, बसों की स्थापना करने की बात, बसों की बनाने की बात हो, नई बसों को, एक भी नई बस ना बनाना, आप कुछ बसों से काम चला के कितने लोगों को फ्री बस यात्रा करा दोगे? ये कोई बात नहीं होती है कि आपने बसों की सुविधा तो दी नहीं और उसका जो 1,000 करोड़ रुपया है उसको फ्री में बांट रहे हो। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपने बच्चे को रोज फ्री की चीज़ देना शुरू करे और उसको कमाने के लिए जिम्मेदार ना बनाए? ये सरकार अपंग करने को है दिल्ली के लोगों को, और दिल्ली के लोगों को ये सोच लेना चाहिए जो अपने 70 पॉइंट पर नाकाम है उस सरकार को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को जो अपने बेटा बेटी की, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की कसम खाकर जो काम ना करने की शपथ ली थी वही काम कर रहा है, तो मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति को उसका श्राप जनता का मिलना चाहिए दिल्ली सरकार की, और उनको 0 पे सिमट जाना चाहिए।